Subscribe to my channel for more amazing content. हेलो गाइज, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग अपने जीवन में काफी कुछ अच्छा कर रहे होंगे. दोस्तों, धीरे धीरे RTX 3050 ग्राफिक कार्ड के जो भी लैपटॉप होंगे दोस्तों, उनके लीक्स जो है सामने आ रहे हैं. और एक और लीक जो है मैं अभी आपके सामने लेकर आया हूं, और जिससे कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि इन ग्राफिक कार्ड के साथ में लैपटॉप जो है कब आप लोगों के लॉन्च होने वाले हैं. बाय द वे दोस्तों, आप मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि मैं पहले भी एक वीडियो में डेडिकेटेड बना चुका हूं, जहां पे मैंने आपको बताया था कि ASUS F15 के साथ में आप लोगों को जो है RTX 3050 Ti वाला ग्राफिक कार्ड भी देखने को मिल जाएगा. अब एक और नया दोस्तों वेरिएंट यहां पर निकल कर आया है, जहां पे प्रोसेसर जो आप लोगों को मिलता है Intel 11th जनरेशन i5-11400H प्रोसेसर के साथ में जो है दोस्तों RTX 3050 स्पॉट किया गया है. फॉर योर रेफरेंस दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि ये वाला जो प्रोसेसर है वो H सीरीज टाइगर लेक का प्रोसेसर है, जो कि 45 वॉट TDP पे काम करता है. अगर आप यहां पे बेस क्लॉक जो है 2.7 GHz लेते हैं, और 35 वॉट TDP पे काम करता है अगर यहां पे आप बेस क्लॉक जो है 2.2 GHz लेते हैं. बाय द वे दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो किया है तो मैंने जब CES 2021 का कवरेज दोस्तों किया था, तो वहां पे ये बात इंटेल की तरफ से स्पेसिफिकली बता दी गई थी कि जो ये 45 वॉट TDP वाले प्रोसेसर है, ये लोग इन चीजों के साथ में जो लैपटॉप हैं आप लोगों को क्वार्टर टू में देखने को मिलेंगे. तो समवेयर हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं दोस्तों कि आने वाला जो अप्रैल से मई वाला महीना होगा, वहां पे कोई ना कोई जो है लैपटॉप आप लोगों को जरूर इस ग्राफिक कार्ड के साथ में देखने को मिल जाएगा. बाय द वे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो नई वाली Lenovo Legion 5i सीरीज जो कि 2021 में आएगी, उसमें आप लोगों को 45 वॉट TDP वाले प्रोसेसर ही देखने को मिलेंगे. वहां पे 35 वॉट वाले TDP वाले प्रोसेसर्स आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगे. तो वी कैन सेफली अज्यूम कि यहां पे कहीं ना कहीं मई और अप्रैल में जो है आप लोगों को यहां पे जरूर कुछ ना कुछ जो है दोस्तों यहां पे आराम से कुछ ना कुछ न्यूज यहां पे देखने को मिल जाएगी. नाउ बात करते हैं दोस्तों इसके कुछ रॉ परफॉर्मेंस की. तो एक रेफरेंस के लिए मैं आप लोगों को यहां पे डेटा बता देता हूं कि ये वाला जो ग्राफिक कार्ड है RTX 3050, ये 1650 Ti से 36% फास्टर होने वाला है, और जो 1650 नॉर्मल वाला वेरिएंट है उससे 45% जो है यहां पे फास्टर होने वाला है. बाय द वे फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर यहां तक पहुंच ही चुके हैं तो मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब करें. नाउ एक यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों अभी तक ये अराइज होता है कि ये जो 4GB का तो इसका VRAM है, लेकिन क्या ये GDDR6 है? अभी भी जो है इसके ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं. और एक और चीज दोस्तों यहाँ पे ये निकल के आती है कि RTX 3060 और RTX 3050 में जो नंबर ऑफ कोर्स हैं, आप लोग देखेंगे कि 3050 के साथ में ऑलमोस्ट हाफ द नंबर ऑफ कोर्स आप लोगों को मिल जाएंगे एज कंपेयर टू RTX 3060. उसके साथ में अगर दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूं मेमोरी बस की, तो मेमोरी बस भी आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि 128 बिट की आपको देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू 192 बिट इन RTX 3060. आपका क्या मानना है दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए. और बाय द वे दोस्तों, कुछ बजट चीप लैपटॉप्स के लिंक जो है मैंने आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दी है, आप वहां पे जाके जो है उन्हें जरूर चेकआउट कर सकते हैं. थैंक यू, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स.